मैं यहाँ डेली आता हूँ खाने, और मैं जब तक ये खाता नहीं हूँ तो मेरा दिन नहीं बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ खा के। पीछे देखो, पीछे। जायकेदार, जबरदस्त। काम काम और बस काम ही काम। घर और ऑफिस के कामों ने तो जिंदगी को टेंशन सेंटर बना रखा है। थोड़ा चिल करो यार, थोड़ा हंस भी लिया करो। आपकी लाइफ से ऐसी टेंशन को हल्का करने के लिए द वायरल नामा लाया है हंसी का पिटोरा, जिन्हें देखकर आप पेट पकड़कर हंस पड़ेंगे। हमारा दावा है कि ये हंसगुल्ले खाकर आपका दिन ही बन जाएगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं फनी मोमेंट्स का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मिलते रहें हमारे सभी वीडियोस। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। यहाँ बाइक के पीछे बैठी भाभी जी की साड़ी का पल्लू लटक रहा था। ऐसे में पीछे चल रही लड़की उन्हें अलर्ट करके कहती है, भाभी जी पल्लू पल्लू। लेकिन भाभी जी को लगता है कि उनकी साड़ी की तारीफ कर रही है, जिसके बाद वो तबाक से बोलती है, 1500 की है 1500। भाभी जी के जवाब पर लड़की हंस पड़ती है और कहती है कि अरे पल्लू लटक रहा है, वो बोल रहे हैं। आप भी सुनिए। भाभी जी पल्लू पल्लू 1500 का है, अरे लटक रहा है, वो बोल रहे हैं। थैंक्स, लव यू। इस बंदे ने कीचड़ को पार करने के लिए इस तरकीब का सहारा लिया। भैया जी मटकते हुए आधे रास्ते तक तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद किस्मत ने गच्चा दे दिया और भाई जी पानी पानी हो गए, बोले तो कीचड़ में ही नहा लिए। गजब बेइज्जती है। ये बंदा सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक के चलते उसे सड़क पार करने का मौका ही नहीं मिलता, जिसके बाद ये बंदा अपना दिमाग दौड़ाता है और निकाल लेता है सड़क पार करने की ये निंजा टेक्निक। आप भी देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? इंडिया में खुरापातियों की कमी नहीं है। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें ये बंदा फिल्म एक्टर अजय देवगन की फिल्म की एक क्लिप से ऐसा फनी वीडियो बना लेता है कि उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। लीजिए, पेश है खुरापात का एक और नमूना, जिसमें इस बंदे ने कछुआ बनने की कोशिश में लगभग कामयाबी पा ली है, क्योंकि कछुआ बनने के साथ साथ भाई साहब अंडे भी दे रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिले तो हम जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तो देर किस बात की, अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये लोग इस बंदे को पीट नहीं, बल्कि इसे इंजेक्शन लगवाने में मदद कर रहे हैं। इस भैया जी को इंजेक्शन से इतना डर लग रहा है जितना तो बच्चों को भी नहीं लगता। इनकी खौफजदा हालत देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाए। डेजर्ट घूमने आए इन दोनों दोस्तों ने मन बनाया कि चलो कैमल सफारी की जाए, लेकिन ऊंट का कतई मन नहीं था कि इन्हें कैमल सफारी करवाए। फिर क्या था, जैसे ही ये लोग ऊंट पर सवार हुए, वैसे ही ऊंट ने दोनों को गिराकर धूल चटा दी। वैसे तो सांप को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये भाई साहब जिस हिसाब से नाच रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इन्होंने जरूर किसी खतरनाक सांप को पकड़ लिया है। लेकिन ये क्या, ये तो सांप की जगह कुछ और ही निकल आया। बहन डर गई, बहन डर गई। यहाँ इस चाय वाले बंदे को इस भैया जी के साथ मजाक करने की सूझी। उसने खाली कप को भरा हुआ दिखाते हुए ऐसा मजाक किया कि भैया जी की सांसें अटक गई, बस जान निकलनी ही बाकी रह गई थी। इन भैया जी को ना जाने क्या सूझी कि बैठे बैठे एक्सरसाइज करने लगे, लेकिन एक कवायद उनकी तोंद को कतई रास नहीं आई,
जिसके बाद उनका बैलेंस बिगड़ा और भैया जी दे धड़ाम। गुलाटी खाने के साथ ही भैया जी ने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, फिर ऐसा प्रिटेंड करने लगे कि जैसे वो गिरे नहीं बल्कि जानबूझकर गुलाटी खाई हो। भैया जी कसम से तुम्हें गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। चल झूठा। ये फूड ब्लॉगर इस ठेले वाले की सेव पूरी खाते हुए सेव पूरी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगता है। वो कहता है कि इससे अच्छी सेव पूरी मैंने आज तक नहीं खाई, मैं रोज इस सेव पूरी को खाने आता हूँ और इसका स्वाद एकदम अंदर तक चला जाता है। इसी दौरान सेव पूरी वाला सेव पूरी बनाते बनाते अपना हाथ लुंगी में डालकर अपना पिछवाड़ा खुजलाने लगता है, जिसका वीडियो देखकर लोगों की हंसते हंसते हालत ही खस्ता हो गई। लोग कमेंट कर रहे हैं कि सेव पूरी खा लेना मगर पीछे मुड़ के मत देखना। आप भी देखिए ये वीडियो। ये लो भाई। गाइस, ये जो सेव पूरी है मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी जायकेदार है कि इसका कोई जवाब नहीं। मैं यहाँ डेली आता हूँ खाने और मैं जब तक ये खाता नहीं हूँ तो मेरा दिन नहीं बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ खाते हुए। पीछे तू देखो। जायकेदार, जबरदस्त। इसका जो स्वाद है ना वो तीन दिन तक मुंह से नहीं जाता है, यानी इतनी इतना जबरदस्त है। तो अगर आपको भी खाना है तो आप भी आइए इधर, बहुत ही लाजवाब है। बाय। मार्केटिंग के लिए लोग क्या क्या तरकीबें लगाते हैं, ये वीडियो इसी बात की तस्दीक करता है। देखिए, 100 रुपए का नोट दिखाकर एक कैफे वाले ने मार्केटिंग करने की क्या गजब ट्रिक निकाली है। चुप, बिल्कुल चुप। ये वीडियो किसी फ्लाइट के अंदर का है, जिसमें एक चचा को मास्क उतारकर खैनी बनाते हुए और फिर उसे खाते हुए देखा जा सकता है। खैनी खाने के बाद चचा मास्क ऐसे लगाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ भैया, कुछ भी तो नहीं हुआ। म्यूजिक। अब इनको कहाँ पहुँचना था और कहाँ पहुँचा दिया। यही होता है जनाब, जब बाइक चलानी ना आए और कॉन्फिडेंस एरोप्लेन चलाने जितना हो। इस पंखे ने तो बेचारे की हालत ही खराब कर दी। हवा खाने के लिए जैसे ही इसने फैन ऑन किया, फैन तो इसके पीछे ही हो लिया। अब बेचारा करे तो क्या करे। शो मस्ट गो ऑन, शेक्सपियर की ये बात सब मानते होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने की जगह नहीं बताई। यहाँ ये लड़की स्कूल के किसी फंक्शन में डांस कर रही थी, तभी मंच पर बैठे मास्टर साहब और अतिथि महोदय पीछे लुढ़क लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन बच्ची ठहरी एकदम डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। मां साहब गिरे तो गिरे, लेकिन लड़की ने शो मस्ट गो ऑन की बात मानते हुए नाचना जारी रखा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए आपको मिलाते हैं हस्बैंड ऑफ द ईयर से। इस महाशय की पत्नी बच्चे को गोद में लिए कार में बैठने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन बाद में दूसरी तरफ दरवाजे से बैठने का मन बनाकर उधर रवाना हो जाती है। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, इनके पतिदेव तो कार रवाना करके आगे निकल जाते हैं और मोहतरमा इंतजार करती रह जाती है। इस वायरल वीडियो में जब पति अपनी पत्नी की इंग्लिश चेक करने के लिए उसे दुकान का नाम पढ़ने के लिए कहता है, तो उसकी पत्नी जो पढ़ती है वो सुनकर आपका हंस हंस कर पेट दुखने लगेगा। चलो स्पेलिंग चेक करते हैं आपकी। ये क्या लिखा होगा? ये आंटी की इंडिया। आंटी की इंडिया नहीं है वो। और क्या है? वो इधर लिखा है एंटी की इंडिया। एंटीक इंडिया। हाँ वो ये। इस पंपकिन के साथ फोटो खिंचवाना इस दीदी को बहुत भारी पड़ गया। बेचारी जैसे ही पोज देने बैठी वैसे ही कद्दू ने इनका साथ छोड़ दिया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अजीब, प्यासे को क्या चाहिए, पानी। लेकिन इस प्यासे की समझ से परे है कि पानी पीकर प्यास कैसे बुझाए। कई कोशिशों के बाद भी ये भैया जी प्यासे ही रहे। यानी ये पानी है, इसे पकड़ नहीं सकते, ये तो अपने हिसाब से ही बहेगा। इस वीडियो में एक महिला लकड़ी के लट्ठे पर नोट रखकर जैसे ही मुड़ती है, एक कौवा नोट को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। इसके बाद जो होता है वो देखकर आप पेट पकड़कर हंस पड़ेंगे।
ये वीडियो देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसीलिए कौवे को चालाक पक्षी कहा जाता है। शाबाश बेटा। गांव की ये महिलाएं इस एस्केलेटर पर चलने से इतना डर रही हैं कि उस पर चढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। कुछ महिलाओं ने हिम्मत भी की जिसके बाद उनकी हालत ही खस्ता हो गई। इन दद्दा जी को देखिए जरा, पूरा द्वार ही खुला पड़ा है, लेकिन दद्दा जी को हर कीमत पर अपना रूल फॉलो करना है, इसीलिए तो बंद दरवाजे को भी खोलकर एंट्री कर रहे हैं। कमाल करते हो दद्दा जी। ये क्या है? काम ऐसा करो कि चार लोग देखते रह जाएं। इसी बात पर अमल करते हुए डेकोरेटर ने कार को फूलों की बजाय चिप से सजा डाला। अब गाड़ी भी साथ, बाराती भी साथ और यमी यमी नाश्ता भी साथ। कैसा लगा मेरा मजाक? इस वीडियो में एक रैपिडो बाइक वाला कस्टमर को पिक करने जाता है। वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास अपनी खुद की बाइक पहले से ही है, जिसके बाद वो कस्टमर से पूछता है कि आपने बाइक क्यों बुक की, तो उसने जो बताया वो सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। भाई बाइक पे क्यों बुक करी फिर आपने? पैर लगाना यार। क्या? पैर लगाना। पैर लगाने कहाँ तक? पेट्रोल क्या? बाइक चलनी स्टार्ट नहीं हो रही? अरे भाई। तो दोस्तों यार, भाई की यार बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और भाई ने हमें रैपिड बुक करके बुलाया है। चीटिंग करता है तू। यूपी के उन्नाव में एसबीआई बैंक के बाहर ही दो सांड लड़ रहे थे, जिनमें कमजोर पड़े सांड को कुछ न सूझा तो वो इस बैंक के अंदर ही घुस गया। सांड के घुसते ही बैंक में अफरा तफरी मच गई। लोग मजाक में कमेंट करने लगे, सांड पासबुक बनवाने आया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लोगों से शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द वायरल नामा।